जयपुर से भाजपा की बीजेपी के मंजू शर्मा आगे। एक बार फिर से आपके पास आते हुए मेरा सीधा सवाल, शुरुआती रुझानों का आकलन क्या कहता है? रुझान पक्ष में है एनडीए का और मैं समझता हूं कि स्पष्ट 400 पार हो जाएगा अंतिम दौर के चुनाव में। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में 40 में 40 सीट आने वाला है और देश में 400 पार होने वाला है। एक सवाल सीधा रामकृपाल सर, जेडीयू के जाने से जेडीयू को नुकसान, बीजेपी को और आरजेडी को फायदा क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? अभी अभी प्रारंभिक रुझान के माध्यम से मैं समझता हूं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर मुझे स्पष्ट है कि हमारा जो एनडीए इंटैक्ट होकर के अपने मतों का ट्रांसफर करा पाया है और निश्चित तौर पर 40 में 40 सीट जीत जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जनता का जो मूड है, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है और मोदी जी को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। शुरुआती रुझानों में बीजेपी हो चुकी है एनडीए 250 पार, 260 के आंकड़े के साथ इस वक्त 413 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 260 पर एनडीए, 137 पर इस वक्त अलायंस। मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है, मंडी से कंगना रनौत इस वक्त आगे चल रही है और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाएगी, आगे पीछे का खेल और ज्यादा आगे होता जाएगा। जल्दी से शीतल जी, क्या गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रौत, गढ़वाल से अनिल बलूनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। महिमा, अनिल बलूनी गढ़वाल से आगे, वहां पर महिलाएं काफी नजर आ रही थी तो मुझे लग रहा है अभी तो बड़ी खबर, बड़ी खबर। 400 से अधिक सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं और रुझान में बीजेपी एनडीए बहुमत के करीब 260 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई, 400 से ज्यादा सीटों, 416 सीटों पर इस वक्त रुझान आ चुके हैं सामने, जिसमें बीजेपी बहुमत के करीब 260 सीटों के साथ। क्या है खबर? दुमका से सीता सोरेन, सीता सोरेन झारखंड, झारखंड की राजनीति में सोरेन परिवार में उथल पुथल, सीता सोरेन का चुनावी मैदान में आना और सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं। रंजना, कोई खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए रुझान अभी तक 407 सीटों, 200 के पार यहां पर एनडीए और 100 पार करती हुई यहां पर इंडी गठबंधन नजर आ रही। जालौर सीट की बात करें तो वैभव गहलोत यहां पर पीछे चल रहे हैं और वैभव गहलोत पीछे पूजा, ये खबर है। अगर वैभव गहलोत अभी पीछे चल रहे हैं तो देखिए जाहिर तौर पर एग्जिट पोल में 4 से 5 सीटें दी जा रही थी राजस्थान में कांग्रेस को और ऐसे में अगर अशोक गहलोत अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाते, बड़ा झटका होगा। इस बीच संबलपुर को लेकर अपडेट है, धर्मेंद्र प्रधान वहां से चुनावी मैदान में हैं और धर्मेंद्र प्रधान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन करनाल की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीछे नजर आ रहे हैं। जालौर से वैभव गहलोत इस वक्त पीछे चल